हुक्म देते हैं। गुलाम इनकार करने पर मजबूर है। सर खरीद गुलाम, तेरी ये मजाल। बत्ती बाल के बने रे उते रखनिया, गली पुल न जावे चने पंजाबी फिल्मों की प्रसिद्ध एक्ट्रेस निशी से सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। कृष्णा कुमारी शर्मा उर्फ निशी का जन्म 1 जनवरी 1935 में अविभाजित भारत के सियालकोट में हुआ था। बंटवारे के बाद निशी अपने माताजी और बहन के साथ पंजाब शिफ्ट हो गईं। उनकी खूबसूरती के कारण ही लोगों ने उन्हें फिल्मों में नसीब अपनाने की सलाह दी। पीएल संतोषी अपने जमाने की नामी फिल्मकार रह चुके हैं। 1952 के साल में वे पागलखाना फिल्म बना रहे थे। इसमें उन्होंने सुरैया के साथ निशी को भी साइन किया। फिल्म तकरीबन बन गई थी पर फाइनेंशियल मुश्किलों के कारण पागलखाना फिल्म कभी रिलीज हो नहीं पाई। पर ठीक 2-3 साल बाद रमेश सहगल ने निशी को अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में साइन किया। ये फिल्म निशी के अलावा सुनील दत्त की भी पहली रिलीज फिल्म साबित हुई। हालांकि 1955 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म में निशी का किरदार इतना बड़ा भी नहीं था जिसे दूसरे फिल्मकार उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में देख सके। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म में निशी हिंदी भाषा को अंग्रेजी एक्सेंट में बोलती हुई दिखाई देती हैं। इस किरदार का नाम मिसेस कपूर है। निशी का अमीर लड़की जैसा चेहरा होने के कारण हिंदी सिनेमा में उन्हें टाइपकास्ट किरदार मिलते रहे। हिंदी सिनेमा में उन्हें बतौर हीरोइन के रूप में बी ग्रेड एक्शन फिल्में मिलती रहीं, जिसमें उनके हीरो दारा सिंह हुआ करते थे। 1958 तक उन्हें मिस इंडिया, फागुन, चालबाज जैसी बिग बजट फिल्मों में काम किया। निशी के जीवन में सुनहरा समय तब आया जब गुलशन किशोर ने अपनी पंजाबी फिल्म भंगरा में उन्हें बतौर हीरोइन के रूप में साइन किया। 1959 में रिलीज हुई ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर हिट रही और देखते देखते निशी पंजाबी सिनेमा की सुपरस्टार हीरोइन बन गई। जिस पल के लिए निशी ने अपने जीवन के 7 साल हिंदी सिनेमा में दिए, वो कामयाबी पंजाबी सिनेमा में उन्हें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि उनकी फिल्मों को पाकिस्तान में भी पसंद किया गया। 1964 की सतलुज के कंडे फिल्म में उन्होंने पहली बार जुड़वा किरदार निभाया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। निशी की और एक पंजाबी फिल्म थी जिसे भी नेशनल अवार्ड मिला था। 1969 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था नानक नाम जहाज है। इस फिल्म में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त भी थे। पंजाब में सफलता के पहाड़ बनाते हुए निशी ने हिंदी सिनेमा में भी अच्छा नाम कमाया। दारा सिंह के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की। हिंदी फिल्मों में निशी को मुमताज और हेलेन से कड़ी टक्कर मिली। पंजाब में इंदिरा बिल्ली उनके लेवल की हीरोइन मानी जाती थी। इंदिरा बिल्ली भी अपने जमाने की कामयाब हीरोइन थी। दोनों ने मिलकर पंजाबी सिनेमा पर लंबे समय तक राज किया था। निशी के हिंदी फिल्मों की खासियत ये भी थी कि उन्होंने हर प्रकार के किरदार आजमा के देखे। अशोक कुमार के साथ उन्होंने डार्क स्ट्रीट नाम की फिल्म की थी। उस वक्त ये फिल्म फ्लॉप रही पर इसमें निशी मुख्य किरदार में दिखती हैं। 1963 की बिन बादल बरसात फिल्म में निशी ने नेगेटिव किरदार आजमा के देखा। उस वक्त ये एक हिट फिल्म थी पर फिल्म के हिट होने का क्रेडिट आशा पारेख और विश्वजीत को मिला। इस फिल्म के गाने भी हिट थे। सफलता के शिखर चढ़ते हुए निशी की मुलाकात राजकुमार कोहली से हुई। आपको पता ही है कि राजकुमार कोहली की नागिन और जानी दुश्मन ये दो फिल्में बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। राजकुमार कोहली इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उनकी फिल्में हमेशा मल्टी स्टार होती है। निशी से उनकी मुलाकात सापनी फिल्म के कारण हुई। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म को खुद राजकुमार कोहली ने बनाया था। शादी के बाद निशी ने फिल्म से संन्यास लेने का फैसला किया। 1969 की नानक नाम जहाज है ये निशी की आखिरी पंजाबी फिल्म थी। कहा जाता है कि ये फिल्म उनकी इकलौती पंजाबी फिल्म थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार किया था, पर हिंदी सिनेमा में उन्होंने खूब सारे खलनायक वाले किरदार निभाए थे। इसके अलावा 1970 की गंगवार निशी की आखिरी हिंदी फिल्म थी। 70 के जमाने में ही निशी के फिल्मी जीवन का अंत हो चुका था पर फिर भी उन्हें ऑफर्स मिलते रहे। पर आपको बता दूं कि निशी ने सिर्फ एक्टिंग से संन्यास लिया था पर अपने पति की प्रोडक्शन हाउस में वो हमेशा सक्रिय रही। राजकुमार कोहली से उन्हें 2 बेटे अरमान और रजनीश हुए। अरमान कोहली को आपने बिग बॉस इस रियलिटी शो में भी देखा होगा। निशी के लिए साल 2021 बड़ा दुखद रहा क्योंकि इस साल उनके छोटे बेटे रजनीश का किडनी फेल होने के कारण उम्र के 44 साल में निधन हुआ।